गाइस ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है जिसका विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। और अगर भारत को अमेरिका के विकसित देशों की तरह बनना है तो यहाँ कई सारी चीजों पर काम करना होगा, जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, अस्पताल, गरीबी, रेलवे और भी बहुत कुछ। लेकिन इन्हीं में से एक है एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये भी देश को आगे बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। दरअसल एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सबसे ज्यादा हवाई मार्ग का उपयोग किया जाता है, इससे समय की भी बचत होती है। ऐसे में एयरपोर्ट देश को एक नई पहचान देने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं भारत के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट जो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। स्वागत है आपका बिज़ मोटिवेशन के एक और एपिसोड में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। नंबर 5 पर है ढोलरा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट गुजरात में बनाया जा रहा है। ये ढोलरा ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये एयरपोर्ट 1426 हेक्टेयर की भूमि पर बनाया जा रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत DISRP से 20 किलोमीटर दूरी पर बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाया जा रहा है। इसे बनाने में कुल 987 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी डिजाइनिंग बहुत ही आकर्षक होने वाली है। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये कंफर्म नहीं किया गया है, क्योंकि ये ढोलरा ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसमें और भी कई तरह की चीजें बनाई जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ढोलरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है तो कमेंट करें। नंबर 4 पर है राजकोट एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी गुजरात में बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट राजकोट और अहमदाबाद के लोगों को जोड़ेगा। इसे बनाने में कुल 2654 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये पुराने वाले राजकोट एयरपोर्ट से 36 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। हालांकि इस एयरपोर्ट पर एक ही रनवे होने वाला है। इसे सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये एयरपोर्ट दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट पुणे में बनाया जा रहा है। इसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट 2400 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनाया जाएगा जिस पर हर रोज 65 से 70 फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे। इसे बनाने का मेन मकसद है कि पुणे के बाकी सभी एयरपोर्ट के भीड़ को कम करना, जिससे कि लोगों को सफर करने में कोई भी परेशानी या किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस एयरपोर्ट की देखरेख की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ये एयरपोर्ट पुणे को और भी सुंदर बना देगा। नंबर 2 पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत नवी मुंबई में बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसे दिसंबर 2024 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसे बनाने में 7200 एकड़ की जमीन का उपयोग किया गया है। अब सबको इसका इंतजार है कि ये एयरपोर्ट कब बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाने में कुल 16700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर 1 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का सबसे शानदार, सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग एयरपोर्ट होने वाला है। इसे गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 7200 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सितंबर 2024 तक इसका एक रनवे तैयार कर लिया जाएगा। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को किया था। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट एशिया महादेश का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया का 4th सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे बनाने में कुल 4500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो दोस्तों ये थी भारत की 5 सबसे मुख्य एयरपोर्ट जिनका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।